कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को अगर ज्यादा सुख भी मिल जाए तो वो उस सुख को सुख से ऊब जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अगर व्यक्ति को ज्यादा सुख भी मिल जाएगा तो एक ना एक दिन वह व्यक्ति उस सुख से भी ऊब जाएगा। सुख अर्थात सुख हमारे जीवन की किताब में नहीं है, इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में एक चीज है जो हमें मिल सकती है, वो है शांति। शांति हमें प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, और शांति के लिए हमें त्याग की जरूरत है। त्याग इस जीवन में हम जब भी करेंगे निश्चित ही हमें शांति प्राप्त होगी। और अगर हमें शांति चाहिए तो भगवान के चरणों में हमें जाना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग करा है, हम सभी देखते हैं जो भी भक्त आ रहे हैं उन सभी ने त्याग करा है। आज कथा सुबह 8 बजे से होनी है, हम सभी को ज्ञात है। और ये लाखों का जन समुद्र देख के हम सभी को पता चलता है रात भर भक्त चलकर आए, रात भर भक्तों ने रात्रि जागरण करा केवल और केवल कथा श्रवण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने त्याग करा है अपनी नींद का, अपने समय का। और यहाँ पर ठंड भी सुबह अच्छी पड़ रही है, इसके उपरांत भी भक्तों का यह जन सैलाब हम सभी को देखने को मिलता है। आपने त्याग करा है अपनी नींद का, आपने त्याग करा है अपने शरीर का, किस प्रकार से आपको ठंड लग रही है उस प्रकार से भी आपने आपके शरीर के बारे में नहीं सोचा, इसके उपरांत भी आप कथा पंडाल में पधारे। तो कहीं ना कहीं ये त्याग का ही बल है जो आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी लालायित हैं, तो निश्चित ही मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी आप सभी के त्याग को देखकर आपको सुख भी प्रदान करेगा और आपको शांति भी प्रदान करेगा। वैसे भी हम इस संसार सागर में आए हैं तो हम सभी को संघर्ष करना है, हम सभी को संघर्ष करना है किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ये मानव तन हम सभी को प्राप्त हुआ है, इस मानव तन में आने के बाद में हम क्या समाज के हित के लिए कर सकते हैं, हम क्या हमारे सनातन धर्म के हित में कर सकते हैं, हम क्या हमारे देश के लिए कर सकते हैं, ये हम सभी को सोचना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी में हम सभी को भगवान ने जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ अच्छा हम सभी को करते रहना चाहिए। क्योंकि इस संसार में आने के बाद में आकर नहाए और नहाकर चले गए। देखिए बात छोटी सी है पर बात पते की है, हम सभी को गौर करना चाहिए। आकर नहाए और नहाकर चले गए, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। और मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, क्योंकि तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम महादेव के चरणों में सर झुकाएंगे तो निश्चित ही इस संसार का सारा सुख हमें प्राप्त होगा। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सुख हमें प्राप्त नहीं हो, पर हमें थोड़ा सा त्याग की जरूरत है, थोड़ा सा तप की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मेरे महादेव के चरणों की जरूरत है। हम सभी भगवान के चरणों में जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने मन की बात हम महादेव से कह सकें। पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी ये लो मास्क, बाहर बहुत पोल्यूशन है। ये मैम, बाय दादू। हेलो डॉक्टर अंकल, गुड मॉर्निंग। इतने पोल्यूशन में फिर वॉक पे चले गए। मास्क बाहरी प्रोटेक्शन है, कोई हेल्थ सॉल्यूशन नहीं। महेश जी, अब बाहर से ही नहीं, अब अंदर से ही प्रोटेक्टेड हैं। मतलब ये है ब्रीथ इजी। इसमें है गिलोय, पिपली, अश्वगंधा और 17 नेचुरल हर्ब से बना 100% हर्बल केरला आयुर्वेदिक मिश्रण। पंकज कस्तूरी ब्रीथ इजी, लंग्स का बॉडीगार्ड। टाइम पास नहीं हो रहा है? हाँ, बेस्ट सेलिंग ऑथर अमित त्रिपाठी। टाइम पास तो सबका हो जाता है, सो थोड़ा खास बनाओ। Whether a man is a legend or not is decided by history, not fortune tellers. ज्ञान, विज्ञान और पुराण, यहाँ सब मिलेगा।
ऑडिबल सुन के तो देखो। चाहिए? मुझे भूख नहीं, मुझे भूख लगी है। गेट इट? सॉरी सर, भूख लगी है ना सर। सॉरी। हम संसार के सारे सुख को प्राप्त कर सकते हैं और नीचित ही बधाई के पात्र हैं। कथा के मुख्य यजमान जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने जीवन के लिए अपितु विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कथा के मुख्य यजमान आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा एवं कथा के नियोजक श्री चंद्र कुमार जी जाजोदिया उर्फ लप्पी भैया जिन्होंने ये कथा के मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु समूचे जन समुदाय को विश्व कल्याण हेतु ये कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। हम सभी को ज्ञात है कि आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय विधायक महोदय जी द्वारा किस प्रकार से सनातन धर्म की पताका को लहराने का कार्य करा है हम सभी ने देखा। हनुमान चालीसा का जो आयोजन आपने रखा था, जो अभियान आपने चलाया था, निश्चित ही हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है, हम सभी के लिए एक सीखने के लायक है कि किस प्रकार से विपताएं आई, किस प्रकार से अड़चनें आई, इसके उपरांत भी ना हम झुके ना हम टूटे, बस आगे ही बढ़ते चले गए। तो दो लाइन मुझे याद आई है आदरणीय सांसद महोदय जी के लिए, आदरणीय विधायक महोदय जी के लिए कि मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, सूर्य का वही अखंड भाग हूँ। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, सूर्य का वही अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही महादेव का दास हूँ। ये बड़ी ही सुंदर लाइन है जिन्होंने सुंदर सनातन धर्म की पताका को लहराने का कार्य करा है, जिन्होंने हनुमान चालीसा के माध्यम से सभी भक्तों को एकजुट करने का कार्य करा है। और इस प्रकार के आयोजन नियोजन हमेशा भारत की धरा पर होना चाहिए, हमेशा इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए जिसमें हम भी आगे बढ़कर हिस्सा लें, हम भी आगे बढ़कर कार्य कर सकें, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मर के जीने वालों को। हम नहीं डरते किसी से, मौत हो या जिंदगी सर उठाकर ही चलेंगे जब तक है जिंदगी इस संसार में। हमको किसी के आगे नहीं डरना, केवल और केवल हम डरेंगे तो हमारे कर्मों के आगे डरेंगे, क्योंकि कर्म एक ऐसा होता है जो सभी के आगे आता है। कर्म एक ऐसी चीज है जैसे 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो निश्चित ही इस संसार में हमारा अच्छा ही होगा, और हम कर्म बुरा करेंगे तो इस संसार की कोई ताकत नहीं है जो उन कर्मों को मिटा सके। तो हम सभी को ये ज्ञात रखना चाहिए कि हम कर्म अच्छा करें, और इस संसार सागर में आए हैं तो जीवन में सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते चलें। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की वो भूमि, कंकर शंकर की वो पावन धारा, जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धारा पर निरंतर विद्यमान होती है। हम सभी देखते हैं जो भी भक्त उस धारा पर पहुंचता है, अपने मन की बात लेकर पहुंचता है, उस धारा पर पहुंचने के बाद में व्यक्ति जाता तो है उदास मन से, पर आता है खुश होकर ही उस धारा से आता है। तो ऐसी कंकर शंकर की धारा, भगवान की कृपा दृष्टि इस धारा पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर पहुंचता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी पावन धरा पर सेवा का कार्य प्रतिदिन सुचारू रूप से होता है। आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा हो या फिर
मनुष्य सेवा हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, हमेशा सेवा में तत्पर रहती है। सेवा ही संकल्प है, इस मूल मंत्र को लेकर आगे चलती है श्री विठले सेवा समिति। आप भी इन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं, आप भी इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े होकर आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो सुंदर, जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र, बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि समर्पित करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के दो अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों में से किसी में भी अपनी सहयोग राशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है, भोजन भंडारा सुचारू रूप से श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धारा पर चलता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और आप सभी को ज्ञात में कि एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेर भंडारी की पावन धारा पर चलता है सुचारू रूप से, जिसमें निःशुल्क रूप से गोली दवाई भी वितरण की जाती है, दो एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, साथ में 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग 12 से 13 हॉल इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे। एक हॉल में लगभग 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे, भगवान का भजन कीर्तन कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। तो इन प्रकल्पों से आप भी जुड़ सकते हैं, सेवा के भाव से आप भी जुड़ सकते हैं। सुंदर, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सेवाएं प्रदान करी, उन सभी पवन सारी पुण्य सारी दानदाताओं के नाम, संध्या संजय जी गुप्ता गोपालगंज से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। नेहा जी राठौर नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। श्री संदीप जी ठाणे महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। शारदा जी गमम गबंगे की तरफ से संभाजी नगर से सुंदर 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दिव्या निर्मला बहन जी की तरफ से गुजरात से सुंदर 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। भारती जी जसवाल रतलाम मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, सुरेश कुमार जी की तरफ से बेंगलोर से सुंदर 3100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। आशीष जी ग्रोवर की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, संतोष बालकृष्ण जी कुलकर्णी जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अरहल देवी जी की तरफ से सरसा से सुंदर आपने 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अंकित जी बामनकर की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता का जो नई गौशाला बन रही है उसमें समर्पित की, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। रीता जी यादव नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, प्रवीण जी लाटा की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, मीना जी देवरे की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, नरेंद्र एन जी बाबाजकर की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 1500 रुपए, राणा निर्मल सिंह जी की तरफ से गुजरात से सुधा 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुधर 5111 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके, सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। जयेश अरुण जी महाजन की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, बिमला देवी जी की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हरी जी पाटीदार की तरफ से सुधा 500 रुपए, सूर्या सुयोग जी कुलकर्णी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, शांति सागर काशीनाथ जी जादव की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। चित्रा रविंद्र जी की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता की जो नई गौशाला बन रही है, आप सभी को ज्ञात है कि गोवंश बढ़ता है, गौशाला एक कुबेर भंडारी की पावन धरा पर है, पर गोवंश बढ़ता है तो उनके रखने के लिए और बड़ी गौशाला बनाई जा रही है, जिससे सुचारू रूप से गौ माता की सेवा वहां पर हो सके। तो सुंदर सहयोग राशि श्रीमती चित्रा रविंद्र जी की तरफ से धूले महाराष्ट्र से आपने समर्पित की। गंगा देवी जी वत्स की तरफ से जिंद हरियाणा सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजय कुमार जी गुप्ता बरौला से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अनिल जी वर्मा बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, कौशल्या देवी जी की तरफ से हसनपुर से सुधा 500 रुपए, प्रदीप कुमार जी सैनी हसनपुर से सुधा 500 रुपए, सीता लतुल जी चौहान की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, चंदा देवी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राजेश जी सैनी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। प्रताप जी दिवंगम राव जी की तरफ से
511 रुपए की सौगात से आपने सम्मिलित की। यशोदा जी पेरिया की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 600 रुपए, नीरज कुमार जी गुप्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, खुशाल राम बाबू जी मौर्य की तरफ से धुले मराठे 200 रुपए, ज्योत्ना जी गोही की तरफ से सुंदर आपने 1051 रुपए की सौगात से आपने सम्मिलित की। पूजा जी पाल की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नीलम नीलकांति जी भावरे की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने सम्मिलित की। बमला जी शर्मा पटियाला पंजाब से 500 रुपए, मनीषा जी भदौरिया मुरैना मध्य प्रदेश से 500 रुपए, डोंगरा परिवार की तरफ से दिल्ली से सुंदर 2100 रुपए की सौगात से आपने सम्मिलित की। माधवी सतपाल जी चौहान की तरफ से करबदा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सीमा जी गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सोनू जी भदौरी भारद्वाज की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, महेंद्र सिंह जी की तरफ से बांसवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए, भवन लाल जी इंदिरा जी की तरफ से मुंबई से 1500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। संतोष जी भोले राव जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। ब्रज नंदन जी श्रीवास्तव की तरफ से यमुनानगर से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सुधाकर जी दिवंगत जी भले की तरफ से नांदेड़ मराठे से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सुनील कुमार जी मिश्रा गोंडा मराठे से 500 रुपए, चंद्र प्रकाश जी गुप्ता की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मुरारी कुमार जी कैसरी की तरफ से मगर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, सुनीता बिलाज जी कस्तूर की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। विशाल महादेव जी सामान की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। बीरेंद्र रघुनाथ सिंह जी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए, मथुरा जी दुर्बे की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1100 रुपए की सौगात से समर्पित की। रीता जी जसवाल की तरफ से चौबेपुर से सुंदर आपने 511 रुपए की सौगात से समर्पित की। प्रकाश नायक जी की तरफ से नंदुरबार मराठे से 1000 रुपए की सौगात से समर्पित की। ओम जी पटेल इंदौर मध्य प्रदेश विवेक पाल जी शर्मा की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, मोहिनी जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए, सपना जी त्रिपाठी ठाणे पुणे महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौगात से समर्पित की। सागर साल्या प्रकाश जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 1100 रुपए, गिरीश रमेश जी जाजू की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सौगात से समर्पित की। अंबुजी धारा की तरफ से जमशेदपुर से 500 रुपए, दीपक कुमार जी राय की तरफ से बक्सर बिहार से 500 रुपए, अंजना जी गुप्ता की तरफ से रुद्रपुर से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। गप्तदान में 1000 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मैंग जी त्रिपाठी भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, राजेश मुखी उन्नति देवी जी की तरफ से झारखंड से 1151 रुपए, किशन चंद जी उषा रानी जी दादूजा की तरफ से मुंबई से 50001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बाबा कुबेरेश्वर धाम पर जो भी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उसमें सुंदर किशन चंद जी उषा रानी जी दादूजा की तरफ से मुंबई से 50001 रुपए की सौगात से समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सौगात से आपने समर्पित की। आशीष जी गुप्ता की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सरिता जी सहाय झारखंड से सुंदर आपने 5001 रुपए की सौगात से बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सौगात से आपने समर्पित की। रसीम जितेंद्र सिंह जी की तरफ से बांदा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। अंजना जी पाल कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सौगात आपने समर्पित की। प्रवीर सविता जी नायक की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 1100 रुपए, रजनीश जी द्विवेदी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, गुप्तदान में नासिक मराठे से 2001 रुपए की सौगात से समर्पित की। सुनीत सिंह जी पठानिया की तरफ से पठानकोट पंजाब से 21000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सौगात से आपने समर्पित की। देखिए 21000 रुपए की सौगात आप जो देते हैं उसमें आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण करते हैं और भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में प्रति वर्ष साल में एक दिन आपके नाम से भोजन भंडारा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर कराया जाता है। ये क्रम सुचारू रूप से चलता है जिसमें एक एक दिन सभी भक्तों के नाम से भोजन भंडारा होता है। सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो श्रीमती सुनीता सिंह जी पठानिया पठानकोट पंजाब से सुंदर आपने 21000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई।
किशोर कुमार जी शाह वेस्ट बंगाल से सुंदर अपने 500 रुपए की सोरे से समृद्ध की, ऊषा सिंह जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर 1100 रुपए की सोरे से अपने समृद्ध की, पद्मा जी की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सोरे से अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर सोरे से समृद्ध की, धर्मेंद्र जी राय समस्तीपुर बिहार से सुंदर 500 रुपए की सोरे से समृद्ध की। आदरणीय विधायक महोदय जी हमारे बीच में पधारे हैं जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा। एक बार जो My God! ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। कंगाल हो कहीं मानोगे? कितनी बार समझाया है? UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैडमैन, आई विल बी बैक। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, इहुर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया, इहुर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, इहुर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया, इहुर वाले गुरु जी ने कमाल कर दिया। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के पंचम दिवस में, विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के
मुख्य जजमान आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती नवरीत जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा, जिन्होंने ये कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा, और बाबा की कृपा से इस प्रकार के आयोजन आप हमेशा करवाते रहें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार का, आयोजक परिवार का, जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में ये सुंदर कथा कराकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा। आप सभी को ज्ञात है नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन कथाएं श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। देखिए कथाएं वो होती है जो व्यथा को मिटाते हैं। पूज्य गुरुदेव निरंतर कथाओं के माध्यम से हम सभी की व्यथाएं मिटाते हैं। हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी हमें बड़ी ही आसानी से प्राप्त होते हैं, और उत्तर मिलने के बाद में हम जो गलतियां करते थे वह गलतियां करना हम बंद कर देते हैं। पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था होना चाहिए, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, सिखाया है, और आज उसी का प्रभाव है जो हम देखते हैं। ये लाखों का जन समुद्र, सुबह 8 बज रही है, 8 बजे इस प्रकार का ये जन सैलाब हम देख रहे हैं। देखिए ठंड अपना काम कर रही है लेकिन भक्त अपना काम कर रहे हैं। भक्त किसी भी प्रकार का कोई मौसम नहीं देखते, भक्तों की एक ही जिद होती है, केवल और केवल कथा श्रवण करना और अपने मन को लाभान्वित करना, ये भक्तों की मांग होती है। आज हम सभी देख रहे हैं भक्तों को कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े फिर भी उन बातों को ध्यान में ना रखते हुए सारी सुख सुविधाओं को अपने घर पर छोड़ने के बाद में भक्त केवल कथा श्रवण करने पधारते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा है आप सभी पर जो यहाँ देखने को मिल रही है। और राजा धीराज महांकाल राजा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने कुछ ना कुछ आपको अवश्य प्रदान करा है, जो आप लाखों की संख्या में पधार रहे हैं, जो निश्चित ही हम सभी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शिव महापुराण का ही प्रताप है जो हम सभी को देखने को मिलता है। सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोग एकजुट होते हैं तो ये शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है, ये एक लोटा जल का प्रभाव है। जब भी सनातन धर्म के लोग एकजुट होते हैं, एक जाजम पर बैठते हैं और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा होती है कि कोई भी भक्त उनको सच्चे मन से याद करता है तो उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महांकाल राजा पूर्ण कर देता है और उन सभी भक्तों का भंडार भर कर रख देता है। और ऐसी ही कृपा आज अमरावती शहर में सभी भक्तों पर करी, अमरावती के रहने वाले हर एक जीव पर मेरे कुबेर भंडारी ने कृपा करी। अमरावती में जो भक्त रहते हैं प्रार्थना करते थे कुबेर भंडारी के लिए कि बाबा भोलेनाथ की कथा हो और हम कथा श्रवण करने पधारे। इस सपने को साकार करते हुए आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा, आदरणीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा, जिन्होंने हम सभी की बातें सुनी और ये कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा और ये सुख प्रदान करवाया हम सभी को, और ना केवल अपने लिए अपितु जन कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु ये कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। बाबा की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और बाबा इसी प्रकार से आप सभी पर कृपा करते रहे। सुंदर हम सभी कथा के आज पंचम दिवस में, विराम दिवस में प्रवेश करेंगे, सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर विराम दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। तो जो भी भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेषण समिति के दो अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का,
दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अमरावती की पावन धारा पर अपनी सौगराशि समर्पित करना चाहते हैं, वे विगत 5 दिनों के लिए श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सौगराशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर पंचम दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, वंदे महारानी की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय, चिंता संतान तार यदानुदानी चतुर्भिश्वनाथ भगवान की Thank you.
ये है मेरा घर, जहाँ प्यार मोहब्बत इसके रिश्तों में घुलते हैं। अग्रवाल परिवार में कपड़े किलो में धुलते हैं। मिल बांट के रहना इस घर को खूब आता है। छोटी बड़ी खुशियों में सबका जॉइंट खाता है। संस्कार इस घर की जड़ें हैं। जान के माँ प्रणाम। आज्ञाकारी बच्चे जीतेर और आदरणीय बड़े हैं। खुश रहो मंडो बेटा। भक्ति भाव यहाँ सबके मन में छिपा है। इस परिवार पे राम जी की बड़ी कृपा है। बोल सियावर रामचंद्र की। राशन कार्ड में मेरा नाम तो नहीं, पर पूरे उज्जैन में इस घर को मेरे नाम से जानते हैं। मैं मेहंदी और ये मेरा मेहंदी वाला घर। राम जी करे इस घर को किसी की नजर न लगे। पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव अमरावती नगर की पवित्र मांबा की भूमि, जगत जननी जगत धात्री माँ दुर्गा की भूमि, अंबानगरी माँ अंबा की पवित्र भूमि अमरावती कथा मंडप में पधारे प्रेशर खोल दो ना बाबा कथा मंडप में पधारे सभी श्रोता भाई बहन, व्यासपीठ के सम्मुख में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक जन, हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये पवित्र शिव महापुराण की कथा हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व के कल्याण करने वाली है, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली है। कथा के मुख्य यजमान सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, विधायक श्री रवि जी राणा, हनुमानगढ़ी अमरावती। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने का आप और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनीत पावन भगवान शिव की यह पवित्र कथा का
रस तत्व हमारे जीवन को एक आनंद की ओर लेकर जाने वाला है। कलकत्ता में कहा था कि कलकत्ता में कहा था कि विश्वास जितना दृढ़ी होता है, भरोसा जितना पक्का होता है, विश्वास जितना दृढ़ी होता है उतना परमात्मा के मिलने में देरी नहीं लगती है, भगवान मिलता है। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को इतना पक्का करो, अपने भरोसे को इतना प्रबल, इतना पक्का करो कि भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर की चरणारविंद की रज आप और हमको प्राप्त हो सके। दृढ़ विश्वास के साथ परमात्मा का मिलन होता है और वो दृढ़ विश्वास जब तक आपके भीतर नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। विश्वास, दृढ़ता ये सबसे मूल है। जिस समय पर हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तब शिव को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। जैसे ही विश्वास हमारा पक्का हुआ, दृढ़ता हमारी मजबूत हुई, हम शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि देवाधिदेव महादेव शिव स्वयं हमको ढूंढने के लिए इस मृत्यु लोक में आएंगे। एक भरोसे पर, एक विश्वास पर, एक दृढ़ता पर यीशु महापुराण की कथा है। आप जितना जितना भरोसे को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना विश्वास को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना अपने भरोसे को परमात्मा के श्री चरणारविंद की ओर मन को स्थिर कर रखोगे उतना परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी। आप सभी ने भगवान शिव का दर्शन किया होगा, आप सब ने भगवान शंकर का दर्शन करा होगा कि शिव जी की जो जटा है वो बड़ी विशाल है। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत सावधानी से कथा सुनना। हमने पहले भी कथा में कहा, आखिरी दिन जैसे मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा की कथा जब विराम होकर जाती है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। शिव जी की जटा को देखिए, भगवान शंकर की जो जटा है, भगवान शंकर की जो जटा वो बड़ी विशाल है, बहुत विशाल, और वो जटा जब विशाल है तो वो उलझ भी है। ऐसा नहीं कि शिवजी की जटा सुलझी हुई होगी। आपने कभी किसी संत का दर्शन करना, किसी साधु का दर्शन करना,
जिनकी बहुत विशाल विशाल जटाएं होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल भी जटाएं होती हैं, है? ये जितनी आर्टिफिशियल जटाएं हो गई हैं, इन्होंने हमारे संतों की जटाओं को नीचे की ओर ला दिया। पहले बड़ी जटा से, मजबूत केश से मालूम पड़ता था कि संत ने कितनी तपस्या करी है, कितनी साधना करी है। आज के ज़माने में 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 20,000 रुपये की जटा लगवा लो और जुड्डा बांध कर फिर आप कैसे भी रहो, एक नया फैशन लोग लेकर आ गए। संतों की जटा से उनकी भक्ति का बल मालूम पड़ता। कभी आपने स्मरण करा होगा ब्रज के संत परम पूज्य संत शिरोमणि संत, संतों के मुकुट मोर कहेंगे हम तो, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी। सुनिए कथा राजेंद्र दास जी महाराज जी की, परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी, उनकी जटा का जब आप दर्शन करेंगे तो उनकी जटा का जब हम दर्शन करते हैं तो वो जटा का जब वो कथा करते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जब व्यासपीठ पे बैठकर कथा का वाचन करते हैं तो उनकी जटा का दर्शन कर ऐसा लगता है कि स्वयं शंकर की जटा में से गंगा बह रही है और वो कथा का वाचन कर रहे हैं। अभी ब्रज भूमि में जब कथा थी कौशिकला में, तब परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पावन चरणों का दर्शन हुआ और उनसे जब मिलना हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई शिव की गंगा उनके कंठ से, उनकी वाणी से बह रही। अब आज के जमाने में तो 2,000-5,000 रुपये 10,000 रुपये की जटा लगवा लो, पर संत की जटा के साथ उसका व्यवहार, संत की जटा के साथ में उसका गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी बता देती है कि संत कितने उच्च स्वरूप के हैं। अब आज के ज़माने में कोई 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो और फैशन में तुम कितनी भी जटा लगवा लो, पर वो कहते हैं ना, कौवा को कितना भी नहवा के गोरा कर दो आखिरी वो काऊ काऊ तो कर ही जाता। संत की पहचान अलग है, साधु की पहचान अलग है। संत शिरोमणि संतों के सिरमौर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी का जब आप दर्शन करें, कभी टीवी पर उनकी भी कथा आती है, और ब्रज रज में जब जाएं तो दर्शन करेंगे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी, तो उनकी जटा अपने आप में कहती है कि तप साधना कितनी, भजन कितना, स्मरण कितना। शंकर जी के मस्तक पर जो जटा है वो जटा सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई है। उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। करें दर्शन आप लोगों ने किसी फोटो में, किसी मूर्ति में, उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी जटा को मैं सुलझा देती हूँ, आपकी इस जटा को लाओ मैं सुलझा दूं। देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लेना पर यह जटा सुलझने वाली नहीं, ये जटा सुलझेगी नहीं।
तुम चाहे जितना प्रयास करो पर ये जटा नहीं। मोदी सरकारची हवी पक्क्या घराचे प्रत्येकाचे स्वप्न पूर्ण होणार। 4 कोटी पक्क्या घरांची उभारणी, आपला संकल्प विकसित भारत। भाई जी के 2 कार्यकर्ता 4 कर्ता आओ जरा इसके पीछे करो। पेचकस से कसा है। अच्छा बुला के उसको कृपा शंकर की। सांसद महोदय, विधायक जी, कौन सी नदी का पानी पीते हैं ये सब? शंभो शरणी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। स्वयं गणेश जी महाराज ने पूछा, स्वयं गणेश जी महाराज अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, अपने माता पिता से कहा, उन्होंने कहा आज मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता, मेरे शंकर, मेरे पार्वती, मेरे शिव, माँ जगत जननी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज प्रातः के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? किस जगह? शिवजी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुप्त रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक, गणेश तुम हंस रहे हो? हां मां, क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिवजी की जटा मुझे सुलझाना है मतलब सुलझा। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती।
पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर कर भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है। शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में हजार वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? हजार वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लग गए। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट नहीं सुलझी। बहुत एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है, वो भगवान कृष्ण से कहती हैं महाराज, उलझी लट सुलझा जइयो मोहन, मेरे हाथ वहरे लगे। उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ वहरे लगे। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आप में से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। ये देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर हजार, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष।
संत साधु गुरुजन तपस्वी साधक उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास किनकी सास जम के बोलो जरा, दशरथ जी की सास माता केकई की मां और केकई के पिता केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं यह आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं यह आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, केकई नरेश। अब केकई नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज़ पहचान सकते हो, पशु की आवाज़ पहचान सकते हो, जानवर की आवाज़ पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज़ पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो, केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, केकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो, केकई नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, केकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। केकई नरेश मना कर 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 थक गए पर केकई की मां नहीं मानी। आखिरी में केकई भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद केकई नरेश की धर्म पत्नी माता केकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में केकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से केकई के पिता के प्राण छूट गए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था, पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति ऐसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी, इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां कहां से बटोर के लाती है ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है, और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देते हैं। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो, ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, वो एक स्त्री होती है, एक नारी होती है। जिद पकड़ो, मना नहीं है, जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी, देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं, आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया, मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो माँ नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, माँ कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? माँ ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए, 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती पर मुझे मेरा भाई चाहिए, और भाई भी वहीं से चाहिए, मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकती, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहाँ मेरा भाई आया, और उसी डॉक्टर के यहाँ उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली, शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति की जिद, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम लाके दो, नहीं,
मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए मतलब चाहिए। ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। कल एक पत्र था, कल दो एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। पर एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है, चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद। तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियाँ निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई उसके बाद यह बीमारी, और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। दो एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। दो पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था, और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूटना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई, और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरेसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। एक दो पत्र बड़े सुंदर, जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़े बड़ी, उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है, तो मनीषा बोला आपण कोण? अरे ते सगळं सोड, खूप चांगली इन्व्हेस्टमेंट स्कीम आली आहे। आज 2000 टाक, उद्या 4 मिळतील, परवा 8, मग 16, मग 32, मग 64। लिंक पाठवली आहे, लवकर क्लिक कर। सावधान, मूर्ख आहेस, किती वेळ समजावलंय? UPI म्हणतं अशा फसव्या इन्व्हेस्टमेंट वाल्या स्कीम मध्ये फसू नका, आपल्या पैशांची काळजी स्वतःच घ्या। काय समजलं? काय समजणार, तुम्हीच समजावा, आम्ही काय समजवणार। तुम्ही ही हा व्हिडिओ शेअर करून आपल्या आजूबाजूच्या भोलाला वाचवा। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं, पर गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन
श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आ रहे हैं। ये पत्र लिखा, बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूलता, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महा काल है। कैसी भी, एक बच्चे का पत्र है, देखिए उस बच्चे के शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडियों पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई, पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सेंदू जरना घा समझ गए, ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं सेंदू झरना घा, ठीक है, से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का वर्णन करना चाहते हूँ। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के, कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद, परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, दो बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी, 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभू, भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, पहुंचोगे। एक विश्वास के साथ आप कथा को सुनोगे तो वो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है पार्वती जी, शिव जी की एक लट सुलझाने में उनको 1 साल लग गया। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़ कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकें। जिद पकड़ कर नहीं, जिद पकड़ कर नहीं।
पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी। पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा, शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए। और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था, वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है, उसी तरह जैसे जटा उलझी है उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं है? सब दुखी है, पत्नियां दुखी हैं, घर में गैस की टंकी नहीं है, पति दुखी है, गैस बहुत बन रही है, कौन दुखी नहीं है? पत्नी काय के लिए दुखी है, बोलो जम के बोलो जरा। घर में गैस की टंकी नहीं है और पति क्यों दुखी है? गैस बहुत बन रही है। दुख किसको नहीं है? संसार में सब दुखी है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी वैरायटी का। ये मत सोचना कि सबका दुख जैसा तुम्हारा दुख है, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, जो तुमने 5 दिन कथा सुनी। ये माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी ने और उनके सारे मित्र मंडली और जितने सेवक यहाँ लगे रहे, एक एक बच्चा बच्चा अब जिस भाव से सेवा करता रहा। कल कह रही थी श्रीमती नवनीत जी राणा जी, सांसद जी और रवि जी राणा जी, हम तो कुछ नहीं करे पर गुरु जी एक बात है, एक एक अमरावती के और गांव गांव के एक एक बच्चों ने, एक एक लड़कों ने, एक एक महिलाओं ने, एक एक जवान ने सेवा में अपना पूरा समय दिया, पूरा समय। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना, जो वनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि वनी में कथा है। जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि शंकर सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव पाते हैं, शिव खाते हैं सब भोजन बन रहा। चलो अपन भी जरा एक बार भंडारे का भोजन कर कर आते हैं। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए और मैं कहूंगा आशीष अगर आपके पास में वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर डालें या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए, प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी सब पे ओम बना हुआ आ रहा था, प्रत्येक रोटी पर, प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है, आप लोग गए हो भंडारे में दर्शन करने के लिए, बनाने कितनी माताएं बैठी है और कितने चूल्हे जल रहे हैं और कितनी तवे रखाए गए हैं, 130
भट्टियों पर भोजन बन रहा है और 8-9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है, प्रतिदिन का भोजन 8-9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है प्रतिदिन, इतना भोजन उसकी कदमता। अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है, शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, वो अधिकारी कहकर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने दिखा दो एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा दो। आप देखिएगा जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं वो उस रोटियों को देखेंगे वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग है, वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो शंभो दृढ़ी हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती अमर गुफा में शिव जी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अधिदेव महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा। बोलो रही बुजुर्ग माताओं, भाई लोग, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोलो, करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता था। अब फैशन आ गया अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सब के अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना साहब ये तकलीफ है, देखना साहब
ये तकलीफ। हाँ, वो डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था, एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले। जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग 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 चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा। जा, क्या हो गया, पांव दुख रहा है, डॉक्टर सबके पास चले जा। जा, आंख दुख रही है, डॉक्टर पास की चले जा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहाँ पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहाँ जाकर ये कराओ, अलग 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 चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देवादित्य महादेव, एक डॉक्टर ऐसा है सबका इलाज कर। सबका इलाज, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहे कि नहीं तुम एक काम करो, लोटे में भल के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो कि तुम्हारी यह समस्या, एक काम करो पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या, तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ाओ। बोला कभी इस व्यासपीठ ने? जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी दो बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम एक किलो दूध चढ़ाओ, कि पांच किलो दूध चढ़ाओ, कि सात किलो दूध चढ़ाओ। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी। कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते। पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ भी कहे, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। आज हम ब्रह्म में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, छब्बीस तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर, सूखे ना जाने कहां कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म यह भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें, इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर लें, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत है। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोलबम का नारा है, एक डॉक्टर होता था सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहाँ तुम खोदना चाहो, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहाँ की जमीन को खोदोगे और अफगानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की जमीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा, शंकर है निकलेगा। खोद लो जहाँ खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर
कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवाय कुछ। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है, और उसी से सबकी प्रागट्यता है। एक एक डॉक्टर सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अगर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो, उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है, हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहां बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंद चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल एक बार उसके शरीर पर लगाती और उसके धड़कन आ जाती है और अर्थी का सामान धरा की धरा रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए थे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना, यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी दृढ़ता है। शिव कथा केवल कथा नहीं है, यह हमारे दिल का भरोसा है, यह विश्वास है। केवल इसको शिव पुराण मत मानना कि शिव पुराण है। आप आए हो बहुत दूर दूर से, सुबह 8 बजे कथा है, कहीं दूसरी जगह पर 8 बजे कथा होती तो कोई पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता पता नहीं। रात भर लोग चले हैं, पूरी रात गाड़ियां चलती रही, ट्रक चलते रहे, ठंड में कुकड़ते रहे, खूब खूब कोई गादी, कोई कम्बल, कोई जिससे जो बन सका, अमरावती वालों ने, आसपास के लोगों ने बांटा भी खूब खूब दिया महाराज। कोई कम्बल दे रहा था, कोई दूध पिला रहा था, कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। रात भर सेवा करते रहे लोग, रात भर, और आने वाले रात भर आते रहे, रात भर। शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मेरे 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए, आएगी गाड़ी, आ सकती है बस आ सकती है, VIP गाड़ी आ सकती है, AC गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक, JCB, जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जाए, पर ट्रेन नहीं आए। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है, हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ जाए, पकड़ में, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो
कहे बिन पिए नशा हो जाता है जो शिव के नाम को गाता। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए, एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सवेरे 4-5 बजे 8 बजे यहाँ पहुंचो, तुम एक नहीं आओगी, मेरी गारंटी है। एक इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से मैजिक से खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवा नमस्तुभ्यम, बोलते बोलते बोलबम का नारा है बाबा एक सा, गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल ठंडी हवा अलग चल रही, भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है पूरा पावर का ठंड। किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है, कोई साधारण है कैलाश पर, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। स्थान का नाम है हनुमान, स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह को, इसीलिए विराज। शिव तत्व को जान, शंकर की अविरल भक्ति को पहचान, शिव भक्ति। और जिस दिन तुम शिव भक्ति को जान गए, जिस दिन तुम शंकर भगवान की भक्ति को जान गए, उस दिन तुम्हारी जीवन की सार्थकता। कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि कथा सुनने आए, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए। और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया, कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया, शिव जी को जल दिल से चढ़ाना, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, धीरे धीरे गुत गुत के बनाओ, जो जितना बोले नहीं तुम उत्ती। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं बहू आई थी तो बहू से कहा, देखो एक एक रोटी अच्छे से सेक ना हो, बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तल ना हो, समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो, दाल बीन रही, एक एक दाल अच्छे से बीन ना हो, बहू परेशान हो गई, सुबह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, 1 बजे तक नहीं निकली, दोपहर में 1 बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा, बेटा बाहर निकल, क्यों अंदर बैठी है? मम्मी शैंपू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बाल में कर रही हूं, एक एक बाल। सास ने दूसरी बार बोलना बंद कर दिया कि एक एक समोसा अच्छे से तल, अब बोलती एक साथ तल, एक एक मत तल, एक साथ तल। अब कहो तो क्या कहो, तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम। हम शंकर शिव की कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो, 10 तरह का नहीं,
एक तरह का, बस लोटा उठाया और जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया, बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी हूँ बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, ए बाबा। पर एक बात तो कहूँ ना मेरे बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा, तू पकड़ कर रखा है। कहाँ और कहे, दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं। यहां जो दिल से आ गया वो पा गया। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग, दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। दिल से देगा वो। शिव कथा कर रहा, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, पार्वती संसार की उलझन मेरी जटा की तरह है, जो सुलझ नहीं सकती, पर उसके अंदर से गंगा की धार बह रही है। पार्वती भक्ति की जो धार दिन रात बह सकती है, उस धार को बांध, भजन भक्ति का बांध। और जब भक्ति की धार बहे तो जिंदगी का सुख है। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ।
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ,
तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात। आज कथा का विराम दिवस भी है, बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सभी भाव से बाबा से कहेंगे, जितने लोग बाहर खड़े हैं वो भी बैठकर बोलना। ये मत सोचो, आप ये सोचिए कंकर शंकर की धरा पर बैठकर बोल रहे हैं। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी चाहे जितने भी लोग खड़े हुए हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, क्योंकि आज विराम दिवस है। कथा का
समापन दिवस विराम दिवस की कथा। बार बार अपने क्षेत्र में ये कथा नहीं आती, दिल से प्रार्थना करो और ऐसी प्रार्थना करो कि अगली बार जब आपके क्षेत्र में कथा हो तो एक पत्र आपका भी इस व्यासपीठ पर हो, ऐसी प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से प्रार्थना करो। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा शिव तत्व कह रहा। संसार उलझन है, सुलझने का रास्ता केवल एक देव अधिदेव महादेव है। किसी ने कहा छीन लूं तुझे दुनिया से ये मेरी बस की बात नहीं, छीन लूं तुझे दुनिया से ये मेरी बस की बात नहीं, मेरे दिल में तू बसता है मेरे महादेव, कोई मेरे दिल से तुझे निकाल दे ये किसी के बस की बात नहीं। किसकी सामर्थ्यता जब आपके हृदय में शिव बैठ जाए, शंभु ओ घड़ी शंकर जब आपकी चित्त वृत्ति में बैठ जाए। किस्मत और हालात एक साथ बदलता है मेरा महादेव, किस्मत भी बदल देता है और हालात भी बदल देता है, बस तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल होना चाहिए, दोनों बदल दे दोनों। एक पत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें अर्चना अशोक श्रीवास तेलहारा जिला अकोला की रहने वाली है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना अशोक श्रीवास तेलहारा जिला अकोला, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती।
दिख गई? हाथ हिलाओ, बच्चा लाई है क्या? देखिए लाई है, ले आओ, लाई है बच्चा, लाई है तो ले आओ। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, भोले बाबा सुन ले पुकार। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको हमने नहीं दिखाया, मुंबई तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा 2022 में मई के महीने में श्रवण करें। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, 2022 में जब कथा सुनना प्रारंभ करी तो पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 15 साल से औलाद नहीं थी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद गुरुदेव मेरे पेट में मुझे तकलीफ हुई, हमें लगा कि गर्भ ठहर गया। समय निकला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। उस समय पर मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर के हिसाब से आज तक मेरे गर्भ नहीं ठहरा था, पर डॉक्टर के हिसाब से जब मैंने जांच कराई गर्भ की तो मेरे गर्भ में, मेरे बच्चादानी के अंतर्गत गर्भाशय में एक गठान हो गई। गुरुदेव हमने तो सोचा था कि बच्चा होगा, पर गठान हो गई। गांठ होने के बाद डॉक्टर ने कहा यह गांठ बहुत बड़ी है, इसकी जांच के लिए भी जाएगी और इसका ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। जब गांठ का ऑपरेशन करने लगे तो मेरे पति से कागज पर सिग्नेचर करवा लिया कि इसका जो गर्भाशय है, बच्चादानी पूरी सड़ चुकी है, इस बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। गर्भाशय की बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। मेरे पति की आंख में आंसू आ गए कि बच्चादानी ही निकल जाएगी तो बच्चा कैसे होगा। परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस स्त्री पर बन जाएगी, आपकी पत्नी पर बन जाएगी, बच्चादानी निकलवा। तब बच्चादानी को निकलवा दिया गया, गर्भाशय पूरा बाहर निकाल दिया गया। गुरुदेव अब तो बच्चे होने के चांस भी चलेगा। मैं बाबा के मंदिर में जाकर खूब रोई कि बाबा ये तूने क्या कर दिया। पर आप कहते हो कि भरोसा पूरा रखना, मैंने भरोसा पूरा रखा। 4 महीने बीते, 4 महीने बाद मैं फिर ठीक हुई और बाबा के मंदिर जाने लगी। मेरा गर्भाशय नहीं था, बच्चेदानी नहीं थी, पर शंकर तो शंकर है ना बाबा। मैंने फिर वापिस सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी, वापिस मैंने शिव जी की आराधना करी और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के, बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये मेडिकल के अंतर्गत डॉक्टरों के हिसाब से ये नामुमकिन है, पर मेरे बाबा ने मुझे 27 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए जो 15 साल बाद मुझे दिया। डॉक्टर के हिसाब से गुरुजी जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसे बच्चा नहीं ठहर सकता। ये डॉक्टर के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, पर मेरे बाबा आप कहते हो ना गुरुदेव, आपके वचन पर जो भरोसा है वो भरोसे ने निभा दिया और बिना बच्चेदानी और बिना गर्भाशय की भी मुझे औलाद दे दी। ये शिव कृपा, ये शंभु की कृपा। अर्चना, अशोक, श्रीवास, तेलारा, गांव, जिला अकोला, मोबाइल नंबर, ये शिव तत्व औघड़ी। सहज नहीं है तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तलो तलो हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंग धार मुक्ति द्वार बहन ने पत्र में लिखा डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है जिसका गर्भाशय नहीं रहता उसका गर्भ नहीं ठहर सकता ये आश्चर्य कैसे हो गया और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद शिवाय अरे लुटा दिया बंडारी काशी हरे कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया बंडारी काशी हरे कर दिया माला काशी वाले क्या देता है कब देता है कैसे देता है ये उसके ऊपर है उसके ऊपर निर्भर करता है। 15 साल बाद औलाद दी थी और वो शरीर में गांठ पड़ गई और बच्चा दानी भी निकल गई गर्भाशय भी निकल गया और डॉक्टर के हिसाब से कभी संतान नहीं हो सकती कभी ये माँ नहीं बन सकती पर विश्वास नहीं तोड़ा उसने शंकर के वो क्या बोली शिव के मंदिर जाती रही एक लोटा जल चढ़ाती रही और कहती रही बच्चादानी भले निकल गई हो पर तू तो सबकी झोली भरता है जब तू 25 साल 30 साल वालों को औलाद दे सकता है तो मेरे तो 15 साल हुए सियोर वाला महाराज कहता है बंजर भूमि में भी तू फूल खिला देता है मेरा गर्भाशय नहीं और बच्चेदानी नहीं तो क्या मुझे औलाद नहीं हो देता है उसकी कृपा होती है मिलता क्या ना दे ये उसकी करुणा है ये उसकी उदारता उसकी उदारता और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो इस व्यासपीठ ने देखा है मैं माननीय सांसद महोदय जी से कहूँगा विधायक जी से कहूँगा श्रीमती नवनीत जी राणा जी से श्री रवि जी राणा जी से कहूँगा इन नेत्रों ने देखा है और इस व्यासपीठ ने देखा है जिस जिस नगर में जिस जिस गांव में जिस जिस खेड़े में कुबेरेश्वर बाबा कथा करने के लिए आया है उस गांव को उस नगर को पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा ने खजाना लुटा दिया क्या देता है वो कैसे देता है वो उसके ऊपर निर्भर जो दिन में नहीं आ सकता वो रात में शिव महापुराण का दर्शन करने जा सकता है भूमि को नमन करने जाओ पर तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे नगर में
शिव महापुराण की जब कुबेर भंडारी की कथा, जब कुबेरेश्वर बाबा किसी रूप में कथा को भाव के साथ लेकर आए, एक बार उसका दर्शन, एक बार उसका दीदार जरूर करना और झोली पसार कर एक बार उसको नमन कर कर कहना जरूर। वो इतना दे देता है कि लोग 4 महीने के अंदर अगली कथा में पहुँच कर अपना पत्र पहुँचा देते हैं, इतना दे। वो देता है खूब। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देता, बहुत देता है। शिव कथा कह रहा, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। किस्मत हालात शिव बदल सकते, एक देव अधिदेव महादेव, एक घर के माता पिता, एक देव अधिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, ये हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस माँ ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मां को कभी घर से बाहर मत निकालना, कभी घर से बाहर। जो मां तुम्हें 9 महीना, जो मां 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए। प्रार्थना करी है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव की अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा, किसका दुख किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में स्वामी जी श्री जितेंद्र महाराज जी जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक आनंद, जीवन का एक तत्व, जीवन का एक लक्ष्य, शिव महापुराण की कथा कहती है। ऐसा कौन जिसके जीवन में उलझने नहीं, सब
उलझनों से घिरे हुए, उलझनों से ग्रसित। अब उन उलझनों में शिवजी कह रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है, उन उलझनों में भी एक राह होती है, एक मार्ग होता है, जिस मार्ग को भक्ति का मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? भक्ति का। एक भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग मूल मार्ग है। जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते। एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही, पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट को, हम अपने भीतर के छल को, हम अपने भीतर की बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे, उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। हम अपने भीतर की आसक्ति को, हम अपने भीतर के अहंकार को, हम अपने भीतर की वासनाओं को, तृष्णाओं को देख नहीं पाते, हम दूसरे में देखते हैं। हम दूसरे में निहार रहे होते हैं, दूसरे में देख रहे होते हैं, पर हम अपने आप में नहीं देख रहे। एक बहुत सुंदर बात है आपके स्मरण में रहे, किसी व्यक्ति ने क्या कहा हम उस पर स्मरण, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, पर हम किसको क्या बोल गए वो हमारे स्मरण में नहीं हो पाता। दूसरे व्यक्ति ने कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में है, पर हमने किसको कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में नहीं आता। एक बात आप लोगों से पूछें, 15 दिन पहले सुबह 10 बजे तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? नहीं। पर 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर तुम्हारे शरीर में वो डोल रहा, वो घूम रहा। 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर वो डोल रहा, वो घूम रहा, रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में वो चल रहा और वो आज तक चल रहा, आज तक। जो 15 दिन पहले तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है, पर तुम्हारे स्मरण में नहीं आया। उसी तरह हम जब किसी के लिए गलत विचार लेकर आ जाते हैं, गलत सोच लेकर आ जाते हैं, गलत वाणी लेकर आ जाते हैं, गलत शब्द लेकर आ जाते हैं, वो भी हमारे शरीर में दिन रात चलता ही रहता है, दिन रात चलता रहता है, और उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ का अनुभव होता ही। हम अपने भीतर का दोष देखें, हम अपने भीतर का दोष स्वयं ढूंढें, अपने भीतर का दोष स्वयं ढूंढें। हमने देखा वो कहे ना, बुरा जो देखन में चला, जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया तो कौन मिलेगा, स्वयं। पर हम देख नहीं पाते। अमेरिका में लाइट जाती है, तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। देखिए जरा, अमेरिका में लाइट गई, विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। अफ्रीका में लाइट जाती है तो फ्यूज देखा जाता है, पर
हमारे यहाँ लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखा जाता है। देखते कि नहीं देखते? ए छोरा जा जल्दी देख के तो काकी के लाइट है कि नहीं। अमेरिका में लाइट गई तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया, अफ्रीका में लाइट गई तो फ्यूज देखा गया, और हमारे यहाँ पर लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपने घर का फ्यूज देखना चाहिए, हमें अपने घर की लाइट देखना चाहिए, हमें दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए। पर हमारी आदत बन गई है, हमारी आदत, जरा सा जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कहीं गए पूछने के लिए, उन्होंने कह दिया, तुरंत कह दिया तेरे किसी व्यक्ति ने तेरे ऊपर कुछ करवा दिया। अरे बाबा, जितने दुश्मन तुम्हारे नहीं होंगे उससे ज्यादा दुश्मन जो राम मंदिर बना रहे हैं ना उनके होंगे। लोग कहते हैं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर, तुम्हारी कितने की दुकान, कितना कमाते हो जो लोग तुम्हारे ऊपर कर देते हैं? अगर करने वाले होंगे तो जो करोड़ों में कमा रहे होंगे उनके ऊपर कुछ करके बताएं। बहुत कठिन है कि कोई कुछ करेगा, आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे, आपके कर्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हो, और वो दम, वो मेहनत, वो तुम्हारे भीतर है, वो बल तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर है। पार्वती जी शिव जी को बोली और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश देने के बाद भगवान देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी से कहकर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, सुंदर आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण कराते हैं। तब साधना, भक्ति, विश्वास, भरोसा, ये जिस हनुमानगढ़ी के इस पवित्र प्रांगण में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसी के नजदीक में सामने ही इंद्रशेष बाबा की तपोभूमि भी है, जहां गायत्री माता गोमाता के रूप में सदा विराजमान है। ऐसी तपोभूमि पर हम और आप शिव महापुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया का रोग होता है, उस काया के रोग से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं, काया के रोग से मुक्त होते हैं। देवताओं पर भी अगर तकलीफ आई है तो उन्होंने शंकर की भक्ति करी है। राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण भी शिव की भक्ति करते हैं, शंकर की भक्ति बिना कोई देव नहीं रहा। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन जी का, सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, भगवान देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ उन्हें मना कर ले आते, मल्लिकार्जुन के रूप में विराज। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन ओमकारेश्वर विंध नामक पर्वत के तप करने पर देव अधिदेव महादेव विराजमान। केदारनाथ नर नारायण के तप से केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया भीमाशंकर का, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो शिवजी का नाम भीमाशंकर हुआ। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विश्वनाथ विराजमान हुए। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त होने के लिए माता हिल्या ने शिव, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारायण की आराधना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन
लिंग के रूप में मां विराजमान हुए त्र्यंबक में वो आनंद पाए। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग के भार को जानकर भूमि पर रख दिया, उसे उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम, मेरे राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव की पूजन कर लंका पर चढ़ाई करते हैं, वो रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूषमा। घूषमा का बेटा मर चुका था। लोग पूछें कि ऐसा होता है, यहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, घूषमा का बेटा मर चुका था। 5 दिन हो गए थे, तालाब में उसका शव पड़ा हुआ था, कटा हुआ शव एक कपड़े में बंधा हुआ पड़ा था। घूषमा ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर विसर्जन करते हुए मन में सोचा, मेरे बेटे का मुझे दर्शन नहीं हुआ बाबा, मरा हुआ बेटा 5 दिन पहले जो मरा था वो जिंदा लौट कर वापिस आया, वो कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर, हमने पहले भी कथा में कहा कि शिव महापुराण में आप जब बैठते हैं जो सोचते हैं वो मिलता है। कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर और माता सती शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। सती ने मन में सोचा, मेरी शादी हुई, विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया है, इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। गुस्से में आकर माता सती ने, ये कथा चल रही थी, विचार कर लिया कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा, वो सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुई। कथा चलते में शंकर भगवान ने विचार करा कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शंकर भगवान जब कथा सुनकर जा रहे थे तो उनको वन में राम जी का दर्शन हुआ। शिव महापुराण के पावन प्रागण्य में, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे विदर्भ की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जो तुम्हारे मन में चलता है बाबा उसको पूर्ण करता है। आप जब कथा के पंडाल में पहुंचे, दिल से बाबा से जो आप हृदय से सोच कर आए हो बाबा आपको देकर जरूर भेजता है। शिव पुराण कहती है, जल चढ़ाने का, भजन करने का, कथा सुनने का जो फल है, जो मिलता है, वो जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। पर इतना जरूर स्मरण रखे कि शंकर की कभी निंदा ना करें, शंकर की कभी अवहेलना ना करें। शिव तत्व को या तो जाने, नहीं तो शंकर के लिए एक भी अपशब्द अपने मुख से ना कहें। जैसे जल चढ़ाने का फल मिलता है, निंदा करने का क्या फल होता है, ये देवऋषि नारद की कथा कहती है। नारद जी ने शंकर जी की निंदा कर दी थी और उन्हें बंदर का मुख लगाना पड़ा। भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी, सिर कट गया, उन्हें घोड़े का मुख लगना पड़ा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, केवल शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए घोड़े का मुंह लगा था, शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख लगा था देवऋषि नारद का। उस दिन से नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि ना तो शंकर की कभी निंदा सुनना है और ना कभी शंकर की निंदा करना है। कोई शंकर के भक्त की भी निंदा करे मत सुनो, कोई शंकर की निंदा करे मत सुनो। जिस कथा में, जिस व्यासपीठ पर कोई अगर शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, वहां से उठकर चले जाओ। पर निंदा ना तो हमें करना है, ना निंदा हमें सुनना है। हम शंकर के, शंकर हमारा, बोलबम का नारा है और बाबा एक। शिव निंदा से दूर रहे, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें, ये भक्ति है। विदर्भ वालों के लिए, विदर्भ की ये पवित्र धरा पर जो ये कथा लेकर आए हैं सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निष्कपट भाव से, किसी से अठन्नी भी नहीं ली और बाबा की कथा का ही रस तत्व हनुमान चालीसा ट्रस्ट द्वारा संचलित हुआ
इसको कराने वाले हनुमान जी और करने वाले। आपने जो आप अगर भंडारे चलाए, आपने अगर किसी को दूध पिलाया, कोई बच्चों को दूध पिलाया, किसी को चाय पिलाई, किसी को कम्बल बांटा, किसी को कुछ करा, ये आपके भीतर की भक्ति है, ये आपके भीतर की भक्ति है। जैसे वीर छत्रपति शिवाजी ने इस विदर्भ की भूमि को और इस पूरे महाराष्ट्र को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरी महाराष्ट्र की धरा को सनातन धर्म की ध्वजा के नीचे विराजमान कर दिया था। वो सनातन धर्म की ध्वजा कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म की ध्वजा सनातनियों के लिए अग्रण्यता रहना चाहिए। अपना सनातन धर्म मजबूत करिए, अपने सनातन धर्म की मजबूतता रखिए और सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहिए। ना हम निंदा सुनेंगे ना हम निंदा करेंगे। हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है हमें उस धर्म से मतलब नहीं है। कौन किस धर्म में क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं। हमें अपने धर्म से मतलब है। अपने धर्म का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो। अमरावती की पवित्र भूमि पर, मां अंबा की धरा पर, विदर्भ की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की जो कथा हो रही है उस कथा का आनंद अपने जीवन की सार्थकता हो। 25 तारीख से 31 तारीख तक 2023 के विराम की ओर ये कथा पांडुरंगा हरि विट्ठल के पावन चरणों में पंडरपुर में होगी, जिसका प्रसारण 1 बजे से 4 बजे तक होगा। 7 दिन हरि विट्ठल के पावन चरणों में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। हमारा निवेदन है पंडरपुर की भूमि पर जब आप कथा सुनने के लिए आए, ठंड है ओढ़ने का लेकर आए, दवाई गोली साथ लाएं, पर एक चीज जरूर याद रखें, पंडरपुर की पवित्र भूमि को कोई भी कहीं पर भी गंदा नहीं करेगा। जो शौचालय बने हों, वॉशरूम बने हों, उसका प्रयोग करना है, क्योंकि पंडरपुर की भूमि देव भूमि है। यह हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब पंडरपुर में है, इसलिए उस भूमि को हमें पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना। चंद्रभागा नदी का स्नान करें, उसको स्वच्छ रखें, शौचालय आदि का प्रयोग करना, वहां कहीं गंदगी नहीं करना। जितने पंडरपुर के आसपास के भक्त हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने खजाने खोलो और शंकर जैसे शंकर जी जब हरि विट्ठल से मिलने के लिए आए थे तो हरि विट्ठल पूरा महल छोड़कर शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर ले गए थे, ऐसी शिव महापुराण की कथा पूरे पंडरपुर वालों की कथा है। इसको अपने स्मरण में रखकर इस कथा का लाभ लेना। सेवा करो, खूब करो, कथा सुनो, दिल से हरि विट्ठल का गुणगान करो। हरि विट्ठल शिव महापुराण की कथा 25 तारीख से प्रारंभ होगी और 4 जनवरी से 2024 की जो कथा है वो बठिंडा में होगी, पंजाब में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आभार व्यक्त करने के लिए श्री रवि जी राणा जी को और साथ में श्रीमती नवनीत जी राणा जी को आभार व्यक्त करेंगे। उस आभार में पूरे आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं सभी का और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और संपूर्ण पूरे विदर्भ से आए हुए शिव भक्तों को आभार व्यक्त हो। आपसे निवेदन है जब तक आरती नहीं होगी तब तक आप खड़े ना हो। आरती के बाद प्रणाम कर कर बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर बाबा से विनती कर कर जाएंगे। एक बार स्तुति दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक बार जोरदार आखिरी की ये 5 दिन का शिव का कुंभ लगा हुआ था तो शिव बाबा के दरबार तक हमारी प्रार्थना पहुंचे उसके लिए श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। हर हर, हर हर। हमारे परम पूज्य महाराज पंडित जी जितेंद्रनाथ महाराज
जैन मुनी आयर साहेब बोथे गुरुजी मंच पर विराजमान सभी संतों को मेरा नमन है प्रणाम है। आणि आज गाडगे बाबा की पुण्यतिथि है और हम जिस भूमि से हैं पंडित जी वो संतों की भूमि है। पंडित जी हम जितने अमरावती कर हैं मैं इस क्षेत्र की बहू हूं, बहू के नाते मैं खूब नसीब लेके आई हूं कि अमरावती में मेरा जीवन साथी और शेवट का श्वास भी ये अमरावती में रहेगा, क्योंकि ये जन्म ये भूमि में राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज गाड़गे बाबा अंबा देवी रुक्मिणी का माहेर कुंडेश्वर तपुनेश्वर की भूमि में एक बहू बनने का सौभाग्य मुझे मिला। जो बेटियां हैं वो नसीब से ही पैदा होके ही नसीब से आई हैं। मैंने तो जन्म जीवन जिनके साथ निकालना है वो क्षेत्र में आई हूं। मैं जितने भी भक्तगण हैं सभी का ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दीदी यहाँ के पूरे भक्तों को लगभग 21 लाख रुपए के केले बांटे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधु। रवि जी बोल रहे हैं राणा जी इतनी सेवा करी है गुरु जी इन्होंने जिसका वर्णन नहीं है। बहुत बहुत साधु, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत जहाँ कई सालों से नाम भी सुनना कई लोगों ने बंद कर दिया था, आज उसकी प्रार्थना और आस्था हो रही है। तो पंडित जी अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो शंकर बाबा ने सिर्फ आपको ही उसका आशीर्वाद दिया है कि आपके नाच से, आपके नाम से, आपके विचारों से हमारे शिव बाबा हर महिलाओं के, हर परिवार के घर में है। जितने भी लोगों ने 3 महीने से योगदान दिया है सबको मैं यहाँ से ही माथा टेक कर सभी का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम करने वाले कोई नहीं, अगर आपने साथ ना दी होती तो आज ये शिव बाबा का कुंभ यहाँ पर अमरावती में आता नहीं। तो मुझे लगता है शिव बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, इतनी ही शिव बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और यह हनुमान गढ़ी है, यहाँ से जो भी मांग कर जाएगा तो मुझे लगता है उनका सभी का जिंदगी में सब अच्छा होगा। बस इतना ही बोलकर एक बार आखिरी का हर 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 श्री शिवाय श्री शिवाय जय श्री राम जय जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की भारत माता की। आज यहाँ पे शंकर भगवान के दरबार में मैं नमन करूंगा और यहाँ उपस्थित हमारे सबके पूजनीय आदरणीय जिन्होंने कथा का पूरा सार भगवान के पूरे एक एक शब्द अपने अमृत वाणी से हमारे सब तक पहुंचाए, ऐसे पूजनीय प्रदीप जी मिश्रा महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा। आणि मी या ठिकाणी हिंदी मध्ये जाडी बोलणार आहे कि एक महत्वाची म्हणजे आज मी आमदार म्हणून नाही एक शिव भक्त म्हणून बोलणार आहे। आणि शिव भक्त म्हणून महाराज जी आपको पता नहीं मैंने आपको ही बोला नहीं, जब आपने बोला मुझे तपुनेश्वर जाना है, मुझे कोंडेश्वर जाना है और अंबा माता का दर्शन करना है, ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला कि मुझे वहां जाना है।
जब मैं आपके साथ गया तपनेश्वर, तो कल आपने जब शिव भगवान था के पिंड के ऊपर जब एक लोटा पानी डाला और मुझे बोला कि हाथ लगाओ, मैंने सोचा हाथ कैसे लगाऊं, आप डाल रहे तो मैं बैठ के बाजू में देखूं, पर आपने बोला मुझे हाथ लगाओ। मैंने वहां हाथ लगाया, उसके बाद तपोनेश्वर की जो गुफा है जिसके अंदर कई तपस्वी महात्माओं ने वहां पे ध्यान किया, और वो आज भी गुफा के अंदर जो पानी था वो पानी के पास जाके आप बैठे, मैं भी आपके पीछे बैठा था। मैंने देखा कि आप 15-20 मिनट से वहां पे बैठ के ध्यान कर रहे, आपकी आंखें बंद है, पर मैंने आपका वहां पे पानी के अंदर हंसते हुए चेहरा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आज तपोनेश्वर की जो भूमि है। मैंने एक बार पलट के भी देखा कि आप ध्यान कर रहे तो ये चेहरा कैसा दिख रहा और जो हंसते हुए दिख रहा, तो मैंने ये सोच लिया कि जो तपस्वी महात्माओं ने वहां पे तपस्या की, एक ऐसा भी महात्मा अपने अमरावती में आया है जो शिव भक्त को भगवान को दिल में लेके शिव जी का नाम लेके तपोनेश्वर जाके पहुंचा है। ये महात्मा है, ये एक मुझे लगता है वो कथावाचक है, उनमें एक अद्भुत शक्ति है, पर तपोनेश्वर के गुफा के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जब मैंने चेहरा देखा, वो भी हंसते हुए चेहरा देखा, मैं तभी समझ लिया कि अद्भुत एक शक्ति है जो शक्ति इन सबको खींच के लाई। उसके बाद कुंडेश्वर गए, वो कुंडेश्वर में उन्होंने एक जल लोटा वहां पे चढ़ाया, अंबा माता के दर्शन में गए और मैंने देखा एक छोटा कोई साधु संत भी आए, उनको भी उन्होंने धरती माँ को मस्तक टिका के हर संत का आशीर्वाद लिया, तो मुझे लगता है कि ये संत के रूप में एक अद्भुत शक्ति है शिव भगवान के माध्यम से अपने बीच में बैठी है, और मैं उनको यहाँ से अभी आज जरूर उनका यहाँ पे विदाई समारोह है, आज उनको शिवर जाके और आगे कथा करना है, पर आपने जो हमको शक्ति दी है, आपने जो हमको ताकत दी है, जो भगवान का एक एक अमृत वाणी आज हमारे कानों में पहुंचा के जो हमें काम करने की शक्ति मिल रही है, उसका पूरा पूरा हम महाराज जी सतुपयोग करेंगे। विश्वनाथ भगवान महादेव
भोलेनाथ ब्रह्मचारी ऊंची ऊंची भोग लगावत ओ हरे हरे हर महादेव बोले जो कोई गन गावे जपत हरा हर स्वामी ओ हरे हरे हर महादेव बोले भज शिव ओंकारा जीव पार्वती का प्यारा जीव ऊपर जल धारा जीव ओरे ब्रज चारा बोले भाग पियन वाला बोले पीने नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन भज पाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मादि तू सदा शिव बोले बोले नाथ वासी हरे दान की धारा ओ हरे 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 महादेव करूर गौरम करम तारम सजार सारम बुरे सदा वदंतम विचार रे देव भवानी सैतम नमाम विश्वम राम नारायण विश्रामोल वासुदेवम श्रीधरम माधवम कोटिवावल नमः जानकी नायकम श्रीराम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 जगन्माया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हरकं महिमानः सजन्तन त्रापोरवे साध्या शान्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वत्रतुण्डाय देवहि तन्नो दत्य प्रचोदयात् ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च देवहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय देवहि तन्नो त्रिरुद्र प्रचोदयात् ओम नानः सुगन्ध पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्यतां शिवशङ्कर त्रिशाङ्कशिवाय नमोर्मन्त्रपाञ्जलिं समर्पयामि अशिष्णात् रूपानि की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है निडर होकर उसका सामना करना। माही कमिंग कमिंग तू कभी फोन नहीं उठाता है दैट्स द स्टोरी ऑफ माय लाइफ माही आज लंच में एक स्पेशल बिरयानी और ये पेट का क्या थोड़ा कम करते हैं मेरा फेवरेट मसाला वड़ा और आपका फेवरेट कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा कम कर लेते हैं गुलाब जामुन थोड़ा कम सब में ऑयल थोड़ा कम कैसे कम पहले मुंह कंट्रोल करना पड़ेगा हेल्दी खाने के लिए मुंह पे कंट्रोल क्यों अपने ऑयल को चेंज करो न्यू एडवांस सनरिच सनफ्लावर ऑयल ये डाइजेशन इम्प्रूव करने में और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करे इसका ऑयल अब्सॉर्प्शन 15% तक कम मेरी चॉइस न्यू एडवांस सनरिच मुंह पे कंट्रोल क्यों ऑयल को चेंज करो अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल विंद से आदि शक्ति माँ अंबा व भगवान शिव के महात्म्य पर आधारित श्री अंबा अंबेश्वर शिव महापुराण कथा का हनुमानगढ़ी छत्री तालाब मार्ग अमरावती महाराष्ट्र से सीधा प्रसारण गजानन नाम लिया
राधे। Yeah.